मोचनी एकादशी के व्रत की कथा। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं पाप मोचनी एकादशी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है, इसीलिए इसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसके फल एवं प्रभाव को अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया। पापमोचनी एकादशी व्रत साधक को उसके सभी पापों से मुक्त करके उसे मोक्ष का मार्ग खुलवाती है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। तो चलिए सुनते हैं पापमोचनी एकादशी के व्रत की कथा। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं जो जो एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशियों के व्रतों की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपा कर अब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है? इस व्रत का क्या विधान है? हे कृष्ण, ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था, वही मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक प्रकार के जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे और कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी और कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ वहां क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के ऋषि भी तपस्या में लीन रहा करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया और इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसी के साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा ने उस मुनि से बोला, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तू आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो।
मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज्यादा समय ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे और इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ ब्रकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हुई और कृपा करके बताइए कि श्राप से किस तरह से मैं मुक्त हो सकती हूँ। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती और आपके साथ मैंने बहुत वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सारा विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है? मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करते हुए बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधान पूर्वक और भक्ति पूर्वक उपवास करो और इसी से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है और इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या तक के पाप, स्वर्ण चुराने के पाप, मद्यपान करना, अगम्य गमन करने वाले सभी भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है। कथा का सार इस प्रकार से कि इस कथा से स्पष्ट विदित है कि शारीरिक आकर्षण ज्यादा समय तक नहीं रहता। शारीरिक सौंदर्य के लोभ में पड़कर मेधावी मुनि अपने तप संकल्प को भूल गए और ये भयंकर पाप माना जाता है, परंतु भगवान श्री हरि की पाप मोचनी शक्ति इस भयंकर पाप कर्म से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो मनुष्य सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद में लोभ, लालच, भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प को भूल जाते हैं, वे घोर नरक के भागी होते हैं। तो दोस्तों, सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए, प्रभु भक्ति में लीन होकर समय व्यतीत करना चाहिए। और दोस्तों, इसकी पूजा विधि जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें और अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, इस
कथा को आप जितना अधिक शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये पहुंचेगी, उतने लोगों का भला होगा। तो कर लीजिए ये पुण्य काम, शेयर।